हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग को एसटीएल मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम क्लास ट्वेल्थ का एक्सरसाइज 3.3 का भाग टू बनाने जा रहा हूं, जो प्रश्न सिक्स से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है पहला प्रश्न, इसमें दो प्रश्न है। यदि ए इतना दिया है मैट्रिक्स, तो सत्यापित करना है ए ए ए डैश ए बराबर आई, यानी आई का मान आपको मालूम होना चाहिए। दो रो दो कॉलम में होता है, आई का मान होता है दो रो दो कॉलम में 1001, यही हम लोग को सीख करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ए का मान जो ए परिवर्त करना है। आपको पिछला वीडियो में मैं ए परिवर्त के बारे में बता दिया था बहुत विधिवत तरीका से, तो परिवर्त हम यहां से राइट कर सकते हैं। तो ए को हम यहां लिखेंगे, ए को लिख सकते हैं कॉस अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये चल जाएगा उधर साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा। ठीक है, ये परिवर्तित हो गया इनटू एक जो मान जो दिया है, जैसे वैसे डायरेक्ट लिख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए आई के मान होता है 1001। ठीक है, 1001 यही हम लोग को लाना है। तो आइए हमको इसको हल करके देखते हैं कितना आ रहा है। जब दिया गया तो सोचिए का आंसर सही है। देखिए कॉस 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 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। ठीक है, कॉस फिर देखिए यहाँ पर है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आपको बता दिया कि इसका रो इसका कॉलम से होता है, फिर इसका भी रो इसके कॉलम से होगा, प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये हो गया इधर। अब देखिए इससे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही है बराबर जो मान दिया है यहाँ पर 1001। ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉस अल्फा को समझते हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा। देखिए ये हो गया कॉस साइन 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 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका, ये देखिए ये आपका हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ हो गया आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही है बराबर लाना है हम लोग को 1001। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मान हो गया आपका एक, इसका भी मान हो गया आपका, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका मान एक, ये जीरो, फिर जीरो एक इधर का गया, और इधर के भी मान आपका आ गया 1001। यही आपका सिक्स का पहला आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और देखिए सिक्स का दूसरा क्वेश्चन ठीक उसी तरह सिद्ध करना है जिससे हम आपको पहला सिद्ध किया था। ठीक है, देखिएगा तो दिया है ए डैश ए स्क्वल टू वाई। ठीक है, ए डैश के मान आपको यहाँ से उतार लेना है। ठीक है, देखिए हम पहले परिवर्त ये आपका सिंपल में दिया है, इसको हम ए डैश के रूप में लिख दे रहे हैं साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर जो ए के मान जो सिंपल दिया है तो इसे हम कितने लिख देंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कहेंगे 1001। ठीक है, अब बारी बारी से गुणा करके देख लेंगे आंसर आ जाएगा कॉस साइन इंटू साइन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस 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 कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में। ठीक है, अब देखिएगा कॉस अल्फा इंटू साइन
अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इधर को हो गया गुना, अब इधर देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और देखिए इधर देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, जो मान दिया है यहाँ पर अंत में ये लिख देंगे 1001, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको गुणा कर दीजिएगा, देखिए यहाँ माइनस प्लस आपका एक बार हल कर दे रहे हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस कर दीजिएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन साइन अल्फा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से ये जो दिया है मान अभी यहाँ दे रहे हैं 1001, अभी ये आपका इसका मान ये 1 हो गया, इसका मान ये कट जाएगा दोनों तो 0, इस भी कट गया तो 0, इसका मान 1 हो गया, इस प्रकार इस प्लेटी पर इतना गया। और इधर देखिए ये तो आपका जो दिया है वो आपके सामने दिखा हुआ है, तो दोनों सीध हो गए। इस प्रकार क्वेश्चन 6 का 1-2 आपको बना दिया। और देखिए 7 नंबर प्रश्न, ये 7 प्रश्न जो है कदर्शित कीजिए कि आयु ए बराबर एक सममित आयु है। सबसे पहले जानिए कि सममित आयु होगा कैसे, ध्यान दीजिएगा सममित आयु आपका होगा ए बराबर यदि ए डैश के यदि बराबर आ जाए तो ये आपका सममित आयु हो जाएगा, ठीक है, सममित यही आपका लाना है ए बराबर डैश, तो ए तो दिया है ए डैश लगाया ए का प्रयोग कर देना है, तो ए बराबर देखिए लिखेंगे सममित आयु के लिए, ठीक है, तो ए बराबर ए, ठीक है, तो ए के जो मान दिया हुआ है देख लीजिए 1-1 5-1 2-1 5-1 3, और देखिए इस ये तो आपका 1 हो गया, ए का मान हो गया, इसी को हम इसको परिवर्तित कर दे रहे हैं यानी डैश दे 1-1 फिर लिखिए 5 ये -1 2-1 5-1 3, आप देख सकते हैं कि दोनों अंक समान आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से ये आपका सममित आयु है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह दूसरा प्रश्न, अब देखिए 7 का आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितना दिया है ए और विषम सममित आयु दिया है, विषम तो विषम में ए बराबर केवल माइनस यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और विषम सममित आयु हो जाएगा, ठीक है, यही आपको ये फॉर्मूला याद रखिएगा, विषम के लिए सममित के लिए केवल माइनस नहीं लगेगा, विषम के लिए माइनस लगा देंगे, तो ए तो लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे विषम सममित आयु के लिए, ठीक है, तो ए बराबर माइनस ए डैश, तो ए तो दिया है आपका 0 1-1 -1 0 1 1-1 0, ठीक है। अब देखिए पहले इसको हम माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं, अब पहले इसको हम परिवर्तित करें तो माइनस 5 दे देंगे, तो 0 1-1, ठीक है, देखिए इसको कर दिए देखिए -1 0 1, फिर देखिए 1 फिर देखिए 1-1 0, अब इसमें माइनस में सब देखिए इसमें केवल माइनस लगा दीजिए जहाँ जब तो देखिए इसको एक लाइन लिख देते हैं 0 1-1 -1 0 1 1-1 0, ठीक है, आइए देखिए माइनस लगेगा तो ये आपका तो 0 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये 0 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इस प्रकार देखिए दोनों आपका समान अंक आ गया, यानी आपका ये 7 का दूसरा आंसर हो चुका है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, अब देखिए 8 प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बराबर इतना के लिए सत्यापित करना, पहला का दिया है कि ए क्वेश्चन में ए प्लस एस ए डैश ए सममित आयु है, तो पहला का देखिएगा पहले सममित आयु के लिए सममित आयु, ठीक है,
हम जिस तरह आपको बना रहे हैं इस तरह आप बना दीजिएगा, परीक्षा में आपको नंबर फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो पहला दिया है ए प्लस ए एस, तो ध्यान दीजिएगा ए का मान दिया है आपका, ए का मान देख लीजिए 1567 और प्लस केवल इसको आप परिवर्तित कर दीजिए, तो 15 यहाँ हो गया 67 यहाँ हो गया। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी 14। देखिए ये दोनों समान आ गया सामने सामने वाला, ये जब समान आ गया तो ये आपका सममित अवयव है, याद रखिएगा सममित अवयव है, ये आपका पहला हो गया। ठीक, दूसरा देख लीजिए, दूसरा हम यहाँ बना दे रहे हैं ए, तो इसके लिए विषम 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 सममित, ठीक है अवयव, ठीक ना, तो विषम के लिए हम देखिए क्या करेंगे, तो ए माइनस ए, तो ए का मान देखिए 1567, ठीक है माइनस 1567 यहाँ हो गया, 1 सुमन गया 0, और यहाँ पर देखिए आपका ये घट ये हो गया आपका माइनस 1, ये आपका इधर देखिए आपका ये हो गया 1 और ये आपका 0, देखिए ये भी आपका विषम हो गया क्योंकि इसका देखिए समान आ गया इधर, तो ये आपका विषम अवयव है, तो इस प्रकार आंसर हो गया। ठीक है, तो एक नंबर प्रश्न को समाप्त, नंबर प्रश्न देखिए ए बराबर इतना दिया है तो ए बटा दो ए प्लस ए डैश तथा ए बटा दो ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है, तो आइए सबसे पहला ज्ञात करना है जो सुलिख दे रहे हैं ए प्लस ए डैश, ठीक है एक बटा दो ए के जो मान दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए, तो देखिएगा तो जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, और इसका डैश कर दीजिए तो जीरो ए बी रहेगा माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, इसी को जुड़ गया, अब देखिए एक बटा दो अब इसको जोड़ दे जीरो 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 हो गया। ठीक है ए प्लस में यहाँ ए माइनस में तो जी बी जीरो हो गया, यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी आपको प्लस में है यहाँ माइनस में तो बी जीरो हो गया, तो ये देखिए बी जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, इस प्रकार ये पूरा आपका जीरो जीरो हो गया, भाग दीजिएगा तो उससे तो सब जीरो हो गया। ठीक है ये आपका हो गया नौ का इसमें पहला दे दिया, दूसरा देखिए ठीक इसी तरह क्वेश्चन दिया यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक है तो यहाँ हम केवल माइनस लगा दे रहे हैं। ठीक है दूसरा क्वेश्चन के लिए दूसरा में जो दिया ही जरा, अब देखिए यहाँ पर कम यहाँ को अब यहाँ माइनस कर रहे हैं तो माइनस में देखेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है तो ये आपका एक बटा दो तो हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जीरो हो गया यहाँ माइनस में प्लस तक टू ए हो गया, यहाँ देखिए बी टू प्लस हो जाएगा टू बी हो गई भी, ये आपका माइनस टू ए हो गया। ठीक है ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस ये आपका प्लस टू सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस टू बी, ये आपका हो जाएगा माइनस टू सी, ये आपका जीरो, और जब इसमें भाग दीजिएगा दो से तो सब में दो दो है दो कट जाएगा, तो देखिए क्या बच गया तो जीरो ए बी देखिए माइनस ए बच जाएगा फिर जीरो फिर सी बच जाएगा फिर माइनस बी बच जाएगा माइनस सी बच गया जीरो, यही आपका नौ का आंसर हो चुका है। बहुत आसान प्रश्न था इसलिए बहुत अच्छा से बना दिए। अब देखिएगा दस नंबर प्रश्न थोड़ा ध्यान समझिएगा समझ आइएगा तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दसवां प्रश्न जो क्वेश्चन है बहुत ही कठिन प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, यदि आप ध्यान दे दिए तो बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा, और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप आपके पास ईयरफोन होगा तो आप सभी काम छोड़ कर तभी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस मैथ को समझ में आ जाए। चलिए तो दसवां प्रश्न जो दिया है निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव एक विषम अवयव के जोगफल के रूप में ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा मान लीजिए ये आपका ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है ये आपको ए हम मान लेते हैं 3 5 1 -1
तो ध्यान दीजिएगा ए बराबर हमको निकालना है पी प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पर P जो होगा आपका सममित होगा और Q होगा जो विषम होगा। तो P के लिए आपको सूत्र लिखना होगा एक बटा दो ए प्लस ए डैश, ठीक है, प्लस Q के लिए लिखना होगा एक बटा दो ए माइनस ए डैश, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को आपको हल कर लिखना है। तो सबसे पहले आप हमको यहाँ से P निकाल लेंगे, तो P का फॉर्मूला ये है और क्यू का फॉर्मूला है, तो P के फॉर्मूला ये आप लिखिएगा और क्यू का फॉर्मूला ये लिखिएगा, क्योंकि ये आपका सममित अभी हो जाएगा, सममित ये आपका होगा सममित, ये होगा विषम सममित, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिए यहां से हो गया, तो अब इसको आप लिख सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं P, तो P मतलब सममित के लिए, सममित अभी यानी P, तो P बराबर सूत्र होता है एक बटा दो ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो एक बटा दो तो यहाँ हो गया, और यहाँ पर एक मान आप लिख दीजिए, एक मान आपको दिया हुआ है जो ध्यान दीजिएगा 3 5 1 -1, ठीक है, ये दिया प्लस, इसको आप परिवर्तित कर दीजिए तो 3 5 1 -1। अब देखिए इसको अब एक बटा दो अब इसको जोड़ दीजिए, तो 3 3 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक है, ये आपका -2 हो गया। होने के बाद में दो से इसमें भाग दे दीजिए, तो 3 3 3 -1 हो गया, तो ये आपका P का मान आ गया, ठीक है, आपका P का मान आ गया। अब यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं कच्ची आपका Q के मान, ठीक है, Q के मान इसी तरह लिखिए दिखिएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले विषम, विषम सममित, सममित, ठीक है, यानी Q बराबर, यानी Q बराबर, ठीक है। तो Q बराबर यदि हम मान लेते हैं, Q बराबर मान लेते हैं, तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, होता है एक बटा दो ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो देखिए एक बटा दो हो गया, और ए का मान आप लिख दीजिए, ए का मान आप लिखना है 3 5 1 -1, ठीक है, माइनस यहाँ पर, तो माइनस में आपको देखिए इसका परिवर्तन भी करना है, तो 3 5 1 -1 इसको आप घटा दीजिए, तब इसको भाग दे दीजिएगा, तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, तो 4 1 में से 5 गया, तो -4, इसमें से देखिए माइनस प्लस, प्लस में तो 0 गया। अब इस प्रकार आप इसको भाग दीजिएगा, तो 0 2 -2 0, यही आपका देखिए क्यूब मान निकल गया। आपका सूत्र क्या बोले थे इसका मान निकालने के लिए, तो यही आपका सूत्र होगा ना, ए बराबर, तो ए बराबर फाइनल हमें यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं, ए बराबर आपको फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसका होता है P प्लस क्यू, तो P के मान देख लीजिए क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो P के मान देखिए पे ये है 3 3, यहाँ पर 3 -1, और प्लस ये जो है Q के मान 0 2 -2 0, यही देखिए इस तरह आपका आंसर हो चुका है 10 का पहला। अब हम मात्र एक और क्वेश्चन बताएंगे 10 का दूसरा, ताकि आप तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है बना सकते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 10 का दूसरा क्वेश्चन है जो आपको जो मिटकाने लेकर मिटका दिया था, और ठीक अभी ये सब फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है, तो देख लीजिए दो नंबर, पहले ए बराबर इसको लिख दीजिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखिए अब इसको ए बराबर लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ए बराबर लिख दीजिए, तो ये लिख दिए, तो अब देखिए पी निकालना है, तो अब यहाँ पर एक बटा दो लिख दीजिए, और यहाँ से ए का मान लिख दीजिए, ठीक है, ए का मान आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दीजिए, और इसका देखिए ए डैश प्रयोग करना है, तो इसका प्रयोग कर दे रहे हैं 6 -2 फिर देखिए 2, ठीक है, -2 3 -1, ठीक है, देखिए 2 -1 और यहाँ देखिए 3, ये हम
परिवर्त कर दिए। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं, आप जोड़ के इसमें भाग दे रहे तो आपका पी के मान निकल जाएगा। ठीक है, पी के मान हम लोग निकालना है हम लोग को। ठीक है, एक बटा दो और देख लीजिए, ये 6 6 12, ये माइनस टू, आपको देखिए माइनस फोर हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, माइनस फोर भी हो गया, फिर देखिए 6 हो गया भी, ये आपका माइनस आपका हो गया माइनस टू, यहाँ से आपका फिर हो जाएगा 4, यहाँ माइनस टू, यहाँ पर 6। इस प्रकार जब इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो पी के मान देखिए क्या आ गया, देखिए 6 माइनस टू फिर 2 माइनस टू 3 1 माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस 1 3, ये आपका पी के मान निकल गया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं इधर का क्यू का मान निकालना है, एक बटे दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ होता है, देखिए 6 माइनस 2 2, ठीक है माइनस 2 3 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 1 3, अब देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, इसका ए का प्रयोग करना है तो यहाँ पर प्रयोग कर दें 6 माइनस 2, ठीक है यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, माइनस 2 3 माइनस 1 2, फिर देखिए माइनस 1 फिर 3। अब यदि हम इसको पहले घटा देते हैं तो बेटा देखिए घटाएंगे तो ये 6 6 में से 0 गया, ये आपका प्लस 0, ये आपका सब सारी आपका 0 हो जाएगा, अगर घटाएं देख लीजिए तो जब 0 हो गया तो ये सफा आपका पी का क्यू का मान आपका क्या हो जाएगा, भाग भी दीजिएगा तो 0 0 हो जाएगा सर। ठीक है, इस प्रकार ये तो आपका हो गया। अब हमें ए का मान लिखना है आंसर, तो ए बराबर हमको सूत्र याद रखना चाहिए क्या होता है, पी प्लस क्यू, तो हम यहाँ पर लिख मिटका दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पी के मान लिखा हुआ है नीचे वो आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा पी के ए बराबर लिखेंगे आंसर, फाइनल आंसर है पी प्लस क्यू, तो पी के मान देख लीजिए क्या है आपका, तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है यहाँ पर 2 फिर देखिए माइनस 1 3, और क्यू के मान जो आया है यहाँ पर दिए 0 0, सब देखिए 0 आ गया। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0, इस तरह आपका 10 का दूसरा प्रश्न बन गया, और तीसरा और चौथा प्रश्न सेम टू सेम इसी तरह है, बना लीजिएगा, यही आपका आंसर हो चुका। ठीक है, अब देखिए 11 12 प्रश्न जो है आपको सही उत्तर बताना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यदि ए तथा बी समान कोटि के समीप आयु है तो ए बी माइनस बी ए, यानी आपको एकदम क्लीन हो गया कि आपको विषम समीयुग्मक अवयव है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हम बताए थे ए माइनस ए डैश के बराबर में, तो ये आपका समीयुग्मक अवयव का एक प्रतीत है यानी पहचान है। फिर देखिए बी में 12वां नोट प्रश्न बोल रहा है कि यदि ए बराबर कोश अल्फा माइनस साइनस माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कोश अल्फा है तो ए प्लस है, तो पहले आपको बताया था कि ए जगह पर लिख दीजिएगा, इसका प्रयोग करके आई के बाद दीजिएगा 1 0 0 1 करके मान इसका हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद अल्फा का मान जो आएगा आपको पाई बाई 3 आएगा इस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।